बैठक में बनी भाईचारे की रणनीति। डीएसपी ने कहा, दोषियों को सामने लाएं लोग, जिससे निर्दोष लोग न हो परेशान। दुकानें भी खोलने की गई अपील। बड़कली चौक पर सरो समाज अमन कमेटी द्वारा बैठक हुई, जिसमें फिरोजपुर जिले का डीएसपी सतीश वत्स और थाना प्रभारी रतन सिंह ने क्षेत्र के सभी धर्म प्रभावशाली लोग भी मौजूद रहे। लोगों को संबोधित करते हुए डीएसपी ने कहा कि जो लोग दंगा कर सकते हैं वे घर पर में भी नुकसान कर सकते हैं। ऐसे में लोग सावधान रहना चाहिए और जिनको ऐसे लोगों की पहचान करना चाहिए उनको सामने लाना चाहिए, ताकि बेगुनाह लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। उन्होंने सभी दुकानदारों को बड़कली चौक पर एकत्रित कर दुकान खोलने की बात कही और कहा कि बेगुनाह को परेशान नहीं किया जाएगा, जिसने गुनाह किया है उसको बख्शा नहीं जाएगा। सरो समाज अमन कमेटी नगीना के सदस्यों ने कहा कि आज भी बात में गंगा जमुना तहजीब की मिसाल देती है। इस नई शुरुआत को मिलजुल कर आगे बढ़ाना है, भविष्य में कोई परेशानी न आए। डीएसपी सतीश वत्स ने कहा कि हम गांव-गांव जाकर ग्रामीणों के दिलों में दिमाग में छाए खौफ को भी दूर करना होगा। गीता और कुरान में कहीं हिंसा की बात नहीं लिखी है, केवल मोहब्बत भाईचारे का पैगाम है। जिन दरिंदों ने हमारे भाईचारे की डोर को कमजोर करने की साजिश रची है, उन्हें कठोर सजा मिलनी चाहिए। बैठक में अटेरनाबाद के काफी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। डीएसपी सतीश वत्स ने कहा कि आरोपितों की पहचान के लिए पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है, किसी भी बेगुनाह के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। जो लोग वास्तव में इस हिंसा से जुड़े हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। उन्होंने अमन कमेटी नगीना के सदस्यों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि एक अच्छी पहल है, इसे समाज में नई दिशा और दशा मिलेगी। इस मौके पर पूर्व मंत्री आजाद मोहम्मद, भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक नसीम अहमद, हबीब बीरबल भारद्वाज, हाजी जान मोहम्मद अटेरना, शिक्षाविद मोहम्मद खालिद राजुद्दीन, एडवोकेट सुबोध कुमार जैन, पूर्व सरपंच महेंद्र, पूर्व सरपंच ओम प्रकाश, तुलाराम सैनी, आचार्य वेद प्रकाश, रामपाल सरपंच करेड़ा, डॉक्टर प्रेमचंद, धर्मवीर अमित जैन, सुभाष जलालपुर, राजपाल सरपंच जयसिंह गंडूरी, पूर्व शिक्षक बक्सी राम, नसीम सरपंच साटावाड़ी, शौकत सरपंच भादत, अजीज हुसैन सरपंच जलालपुर, पूर्व सरपंच जमशेद, पूर्व सरपंच अनवर इकबाल, सरपंच जैताका, शमसू सरपंच अकलीमपुर, हाजी ईसा उमरा बिल्ला सरपंच नांगल मुबारकपुर, भुट्टो सरपंच मणिखेड़ा, अबरार हरदार अध्यक्ष अताउल्ला खान, आदि पंच सरपंच नम्मदार, समाज सेवी बुद्धिजीवी शिक्षाविद गणमान्य लोगों काफी संख्या में मौजूद रहे। डीएसपी सतीश वत्स ने बैठक में लोगों से कहा कि गीता व कुरान में हिंसा नहीं भाईचारे में मोहब्बत का पैगाम है, हिंसा या नफरत नहीं, एक दूसरे के गले भी मिले। आपसी भाईचारा बनाने के लिए सभी हिंदू तथा मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे के सुर में आवाज उठाते हुए शपथ ली। इसके साथ एक दूसरे के गले मिलकर लोगों ने कहा कि अब माहौल खराब नहीं होने देंगे और ना ही कोई किसी को करने देंगे। ऐसे में लोगों को कानून अपने हाथों में लेंगे, उनका नाम पुलिस को बता दिया जाएगा और उन पर कार्रवाई कराई जाएगी। हुआ है वो कोई भी सरा नहीं रहा, वो अच्छा हुआ है, सबके लिए बुरा हुआ है। जिसका नुकसान हुआ उसके लिए ज़्यादा, और जिन्हों के काम धंधे रुके पड़े हैं उनके लिए और भी ज़्यादा। इन सब की भी हमारी तो ये कहने थी आपसे, प्रशासन से, कि भाई जिन्होंने करा है उनको बिल्कुल मत पकड़ो और उनको खूब आइडेंटिफाई करो, खूब पकड़ो। लेकिन जो बेचारे जो गरीब जो आदमी जो इधर उधर अपने बैठे थे और उस वक्त चाहे भड़कली पे ही थे लेकिन उतरने नुकसान नहीं, उनकी कम से कम दुकानें खुले, रेहड़ी फटरी वाले बेचारे गरीब आदमी हो 10-15 दिन सब घर पे बैठे हैं। सब तरह का आदमी भी कोई तो ठीक का काम कर लेता है, कोई बेचारा रोज कमाता है रोज खाता है। उन आदमियों को ये आश्वासन मिल जाए कि भाई जो ना जाए कम से कम वो तो अपनी दुकानें खोले। एक और जनाब यू है कि जी अब जो पकड़े जा रहे हैं जी, खूब आपने आइडेंटिफाई कर रखे हैं, अगर कोई आइडेंटिफाई कर रखा है आपने तो जी गाँव से उठा लो जी, खूब उठा लो। लेकिन जब भड़कली पे दुकान खोल लिए कोई और फिर वो पकड़ो जाए जी ऑर्डर में बैठ जाए, तो हमारी तो आपसे ये रिक्वेस्ट है जी भाई सरकार प्रशासन से कि भाई माहौल बन जाए, तो भड़कली अगर खुल जाए तो काफ़ी हमें जो है ना शांति और बन जाएगी पूरे इलाके में, क्योंकि फिरोजपुर झिरका भी आज की तारीख में शांत है, वहाँ पर भी बिल्कुल बाजार पूरा खुला हुआ है, नोहू में भी अंदर मार्केट खुल गई है, सिर्फ एक भड़कली कस्बा एक ऐसा रह रहा है जहाँ पर अभी तक आवाजाही नहीं हुई है दुकानदारों की। इन दुकानदारों के लिए जी हमारे तो यही कहने कि भाई भड़कली खुल जाए तो पूरे मेवात के मैसेज भी चला जाएगा कि भाई मेवात में बिल्कुल अब अमन शांत। और यहाँ पर ज़्यादातर लोग ऐसे बैठे हैं जो सच्ची में आज अपने दुकानों से उससे काम धंधे से जुड़े हुए हैं जी, उनका दंगा फसाद से कोई लेना देना नहीं, तो यही अपील है जी। और बाकी कुछ लगाई शिकाई करने वाले ज़्यादा चल रहे हैं जी, जो दंगे में है ना जी वो तो शायद पीछे भाग गए, लेकिन अब जो नकली नाम बोल रहे हैं लोगों ने, तो हम
हमारी साहब की रिक्वेस्ट है कि जो दलाल बैठ रहे हैं जी, इनको भी इलाज करो जाए। जो 5-5, 10-10 हज़ार आदमी का नाम मेवात में दे रखा है, इनको भी सुरैन को इलाज होना चाहिए, जो नाजायज आदमी तक करवा। यही हमारे आपसे अपील है जी, इन सब साथी की, भाई आप जो है इनको आश्वासन देते हैं अपनी मार्केट खोल लेंगे और अपना काम शुरू करो। रतन सिंह जी हैं, नए SHO आए हैं आपके, पहले अभी रतन ही था। वही नाम हो, नाम वही है, काम अलग है, काम अलग है, काम अलग है। आप इनसे भी मुखातिब हो, ये भी दो शब्द एक बात है। आप बाकी सभी लोग आए, सभी का अच्छी बात है, पहल कर रहे हैं, DSP साहब ने पता ही सारी बातें, सभी उस पर अमल करें। ये भी आप लोगों को पता है, जैसे भाई साहब ने कहा 20% लोग बाहर से आए, चलो वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाएंगे आपसे, मगर 80% तो आपके इलाके के हैं। मैं अभी पीछे कहीं मेरी पोस्टिंग थी, वहाँ मेरे पास आपके भाइयों ने बताया और उन्होंने मुझे ये भी बता दिया, अख जी हमारा बालक वहाँ से वहाँ तक गया था। आप लोगों से कोई बात छुपी नहीं है। आप ये कहते हो भाई बेकसूर को नहीं फंसाया जाए, नहीं फंसाएंगे, कसूरवार को ले आओ, इसने कसूर किया है जो आपकी नज़रों में है, आप पहल करो।